गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी दोस्तों हम मॉर्निंग टाइम है, हम जा रहे नाश्ता करने आज बाहर। आज कल एक जगह पे गया था इडली खाने, तो इडली बहुत पसंद आई, तो अभी मैं फैमिली को लेके जा रहा हूँ, वाइफ को लेके जा रहा हूँ, भाई को और बच्चे को। तो हम चारों जा रहे हैं इडली खाने। टेस्ट बहुत अच्छी लगी करके आज जा रहे मॉर्निंग को। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। ये देखिए कहाँ जाके बैठ गया। क्यों नहीं टाटा? टाटा आज वो आपकी गाड़ी कौन सी है? इतने कौन सा कौन सी गाड़ी है? हाँ गाड़ी का नाम अच्छे से याद है उसको। तो चलो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। तो जा रहे दोस्तों हम लोग। दे चाबी दे। इडली खाने फ्रेंचाइजी मॉडल है, एक जगह पे मिलती है इडली, नाद ब्रह्म इडली करके फेमस है, कल के ब्लॉग में मैंने डाला था। टेस्ट अच्छी लगी करके आज नाश्ता करने जा रहे फैमिली को लेके, क्योंकि क्या है फैमिली को लेके कभी नाश्ता करने जाना होता नहीं है, क्योंकि ऑफिस रहता है, ऑफिस टाइम पे पहुंचना पड़ता है, उसके वजह से अदर डे तो जाना होता नहीं है। तो आज संडे था करके प्लान बनाया। तो ये जो नाद ब्रह्म इडली करके जो है वो छापरू नगर चौक है नागपुर में, सीए रोड पे वहां पर है। तो हम अभी ऑन द वे है छापरू नगर चौक। ये नंदनवन एरिया है, नंदनवन सीमेंट रोड बहुत फेमस है ये एरिया। इवनिंग टाइम में ना यहाँ पे मतलब खाने की चीजें बहुत है, होटल्स बहुत है, कैफेटेरिया बहुत है, मतलब अगर आपको नाश्ता करना है या फिर खाना खाना है तो ये रास्ते पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, कैफेटेरिया मिल जाएंगे। और हरियाली भी है, तो रास्ते के दोनों साइड से पेड़ है, एरिया बहुत अच्छा है। एक्चुअली स्टूडेंट एरिया है करके क्राउडेड है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो बने रहिए दोस्तों व्लॉग में, हम जा रहे हैं इडली खाने। है ना आदू, इडली आवड़ते ना तुला? कितनी इडली खाएगा तू? चार। चार मतलब सिक्स। तीन मतलब चार और चार मतलब सिक्स, इसका ऐसा काउंटिंग है अद्वैत का। अभी बहुत छोटा है वो, अभी सिर्फ 3.5 साल का है, 3.5 साल के हिसाब से उसको थोड़ा आता है अच्छा, मतलब स्कूल में तो अच्छा है वो। ये देखिए दोस्तों मॉर्निंग टाइम में ये रास्ते पे नाश्ते के स्टॉल होटल्स बहुत है। सुबह का टाइम है तभी ट्रैफिक अच्छी खासी है, क्योंकि संडे आज सब लोग घर के बाहर निकलते हैं,
कहीं ना कहीं जाने के लिए निकलते हैं। आज एक्चुअली ऑफिस है मेरा, मीटिंग तो हो गई, ऑनलाइन मीटिंग थी, अटेंड कर ली। कहीं जाना नहीं है, ऑफिस में जाना नहीं है, घर से ही काम करना है, तो सोचा कि चलो नाश्ता करने चलते। तो हम जा रहे हैं अभी इडली खाने, पहुंच गए। ये है दोस्तों नाथ ब्रह्मा इडली, फ्रेंचाइजी मॉडल है, पता नहीं ओनर कौन है इनका, बट टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये है दोस्तों नाथ ब्रह्म की इडली, सॉफ्ट है, टेस्टी है। ये देखो, ये सिर्फ चटनी के साथ खा रहे हैं। ये देख कशी है, इकडे बघून। चलो दोस्तों हम इडली एंजॉय करते हैं। देखिए दोस्तों भीड़ नाथ ब्रह्म इडली में। मॉर्निंग टाइम, नाश्ता टाइम, उस वजह से भीड़ है। एक तो टेस्ट भी बढ़िया है, उसके वजह से भीड़ है। नाथ ब्रह्मा इडली अगर आपको खाना है दोस्तों तो आप यहाँ पे आ सकते हो। छापरू नगर चौक ही है। छापरू नगर चौक, सीए रोड, नागपुर। ये देखो दोस्तों अद्वैत खेल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी खेल रहे हो? रेसिंग? गाड़ी का रूट बनाया उसने, रास्ता बनाया, उसके ऊपर से अभी गाड़ी चलेंगी, लेकिन सिर्फ पार्क कर रहा है। पार्क कर रहे हो क्या? ये देखो पूरे उसके खिलौने। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 तारीख को मेरे यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है। प्रोग्राम का नाम क्या है? केड़वन करके रहता है, मराठी में उसको केड़वन बोलते हैं, अब हिंदी में पता नहीं दोस्तों मेरे को क्या बोलते हैं, बट पंच पकवान बोलते हैं, जिसमें दूल्हे को या फिर दुल्हन को शादी के पहले बुलाते हैं और कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है दोस्तों। ये देखिए कुछ कोट्स मैं लिख रहा हूँ, मतलब कल सजाना है सब चीज़ें, तो कुछ कोट मैं लिख रहा हूँ। ये मैं कोट कल से लिख रहा हूँ, तो कल कुछ कोट लिखे और अभी कुछ कोट लिख रहा हूँ। तो कैसे लिखने की आदत, मराठी में लिखने की आदत अभी टूट गई है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, जैसे भी जम रहा है। तो दोस्तों कैसे दिख रहा है खाली मुझे कमेंट में बताना। पहले हरे कलर से लिखा मैंने, फिर उसको अभी शेड दे रहा हूँ। और भी कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, ये देखिए,
जैसे यहाँ पे है, ये देखिए, चांदीचा वाटी साकरेचा खड़ा, शुभम वैष्णवी आहे लाका जोड़ा, ये मराठी में है, अब आप समझ लीजिए। उसके बाद में और लिखा है दोस्तों, ये देखिए, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, जो गाना है ना वो है। और उसके बाद में ये है लिखा हुआ है, वैष्णवी लग्न करायची शुभमला लागली आहे भलतीच घाई, को वैष्णवी के साथ शादी करने की शुभम को जो है वो जल्दी है, ऐसा है वो। उसके बाद में दोस्तों और लिखा है, ये देखिए, रुसलेल्या राधेला कृष्ण म्हणतो हास, शुभमच्या जीवनात वैष्णवी आहे खास, मतलब राधिका जो नाराज होती है उनको कृष्ण जी बोलते हैं कि हसो, और जो नीचे है, शुभमच्या जीवनात वैष्णवी आहे खास, मतलब शुभम के जिंदगी में वैष्णवी जो है वो खास है। तो ये कोट मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, तो ये कल के लिए कोट लिख रहा हूँ। अभी ये है, शुभम आहे समजूतदार, करवली पर्णश्रीचा थाट, लगभग लगीन घाई तर प्रेमाचे घातला केडवनाचा घात। तो ऐसे कोट्स मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेगा। और कल जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम में आने वाला हमारा भाई है, उसको भी ये अच्छे लगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। बहुत टाइम लगता है दोस्तों ये करने के लिए, मैंने कल भी किए, कल वीडियो नहीं बनाया था, आज एकदम से ध्यान में आया कि वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर, तो फिर वीडियो बनाया। मराठी लिखने की आदत टूट गई है, उसकी वजह से ना टाइम लगता है, नहीं तो पहले तो जब मतलब स्कूल टाइम वगैरह था तब मराठी फटाफट लिखते थे, मराठी बोलो हिंदी बोलो वो फटाफट लिखते थे, अभी आदत टूट गई है। स्कूल टाइम में सभी बच्चों की स्पीड अच्छी रहती है, जब जॉब वगैरह लग जाता है तो लिखने की आदत टूटने की वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है, तो वही है। देखिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है कोट, क्योंकि ये हमने लिखे हैं, तो और है दो तीन कोट, वो भी लिखना है। ये अद्वैत का कलर बॉक्स है, स्केच पेन बॉक्स अद्वैत का, ये देखो कैसे खड़ा है, यहाँ पे खेल रहा है, खेलती रहता है ये, देखो अभी सामान उठा के रख रहा है। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग पे, ठीक है, और अभी है बनाने का, अभी इस पे लिखा जाएगा दूसरा कोट। तो दोस्तों आपने देखा कल प्रोग्राम में उसकी तैयारी चल रही है, कुछ कोट्स है वो मैंने लिखे हैं, तो कल उसका मतलब सजाएंगे वो सब चीज़ें हम, तो कल उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, गुड बाय, गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।